के बजट सत्र का आज नौवां दिन है। सदन के बाहर आरजेडी के विधायकों ने पिछले दिनों छात्रों और वाम दल के विधायकों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार से जवाब मांगा और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। आपको बता दें कि सोमवार को रोजगार के मुद्दे पर वाम दलों और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। वहीं दूसरी ओर सत्र शुरू होने से पहले ही भाकपा माले के विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के विधायकों ने अपने हाथों में बैनर लेकर हंगामा किया। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जारी लूट पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, साथ ही ग्रामीण योजनाओं में 40% कमीशन को लेकर नीतीश सरकार से जवाब भी मांगा है। AIMIM के विधायकों ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से शिक्षकों के बहाली को लेकर खुशखबरी कर रहे हैं, मदरसा के शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए। मदरसा के शिक्षकों को आम शिक्षकों की तरह ही वेतन मिलना चाहिए। ऐसे में छात्रों की क्या पढ़ाई होगी? उन्होंने अपने बैनर पर साफ तौर पर लिखा है कि वित्त रहित शिक्षा को सरकार को समाप्त करना चाहिए। परिवारों की बहाली करो, मदरसे के टीचरों को समान वेतन नहीं देंगे, मंजूरशुदा मदरसों को जहां आज 2500 साल से लोग पढ़ा रहे हैं वहां तनख्वाह नहीं देंगे तो मदरसे की हालत कैसे अच्छी होगी? जनरल एजुकेशन में 5 लाख टीचरों की बहाली होनी चाहिए, 90,000 बच्चे हमारा टीटी उत्तीर्ण है उनकी बहाली नहीं कर रहे हैं, स्कूलों की हालत कच्ची होगी कैसे अच्छी होगी? टॉप से लेकर ऊपर तक, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक पूरे तौर पर शिक्षा जगत पर कुल्हाड़ी चला दी गई है और कहीं से भी बच्चों के पढ़ने का मौका नहीं है। और एक बात यह है जानी, आजाद के बच्चों को, खुशहाल लोगों के बच्चों को, अफसरों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल। विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा को लगातार एक के बाद एक झटके लगते आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने एलजेपी को झटका देते हुए लगभग 200 कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बेतिया के एक विवाह भवन में मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर पार्टी में स्वागत किया। लोजपा के प्रदेश महासचिव, पूर्व जिला के अध्यक्ष और सभी प्रखंडों के अध्यक्ष के साथ 175 प्रखंड के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि वह सभी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। हम लोगों ने इनसे विस्तृत चर्चा की थी, सभी का कहना था कि हम भाजपा के साथ ही रहेंगे, अब हमको और किसी दल से कोई मतलब नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कार्य किए हैं यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में नए पंचायतों के पुनर्गठन के बाद भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। इस फैसले पर मंगलवार की सभा में नीतीश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायत चुनाव कराने को लेकर कई फैसले लिए गए। साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम खरीदे जाएंगे। इसको लेकर 122 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहरसा में आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी सह विधायक संजीव कुमार झा बिहार भ्रमण के दौरान सहरसा पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बिहार के विकास को लेकर चर्चा की। नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। संजीव कुमार झा ने कहा कि 15 साल पुरानी विकास को फिर से नीतीश कुमार दोहरा रही है। बिहार में हत्या लूट जैसी वारदात में काफी बढ़ोतरी हुई है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब सरकार में जब आप इस बार वो कह रहे थे कि हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, हमने सड़कों का काम किया, जो 2015 साल पहले के कामकाज को आज भी गिना रहे हैं, समस्याएं बढ़ी हुई हैं, लेकिन उनका समस्याओं को दूर करने की तरफ ध्यान ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिस तरह से आप तमाम समस्याओं को देख रहे हैं, जिस तरह की शिक्षा की बदहाली है, स्वास्थ्य की बदहाली है, तो मुझे ये लगता है कि इन तमाम समस्याओं से दूर हटकर अपनी कुर्सी को बचाने की राय नीतीश जी लग
आज पूरे बिहार में सीतामढ़ी में लगातार बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी के नेतृत्व में स्थानीय मंडल कारा में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 मोबाइल, 1 चार्जर और अन्य सामान बरामद किया है। वहीं छापेमारी अभियान में डीएम के अलावा एसएपी अनिल कुमार, डीडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा सहित 3 थानेदारों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पटना पुलिस ने 3 फरवरी को यह खुलासा किया था कि रोडवेज की मामूली घटना के बाद रुपेश सिंह की हत्या ऋतुराज ने कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में ऋतुराज को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि ऋतुराज की जमानत पर कोर्ट में मंगलवार को वकील के निधन के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं अब यह सुनवाई 10 मार्च को होनी है। अभी आपने बोला नहीं याद था, लखनऊ में मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर, लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि यह घटना रात के करीब 2:10 में हुई है। सांसद के बेटे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि जिस पिस्टल से गोली चली है उसे हमने रिकवर कर लिया है। पिछले साल सांसद के बेटे ने लव मैरिज किया था, उसके बाद से आरोपी साले का कबूलनामा आदर्श ने पुलिस पूछताछ में कहा, सांसद के बेटे ने कहा था कि किसी को फंसाना है।